अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट अचार की रेसिपी। आप इसे 5 मिनट में ना झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं हूँ रेशम, स्पाइसी टेस्ट में आप सबका बहुत सारा वेलकम। यहाँ मैंने ये हरी मिर्च ले ली है, इसे अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसे पोंछ लिया है। चलिए अब इसे हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ना इसे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से सारी हरी मिर्च को कट कर लेंगे। मैंने सारी हरी मिर्च कट कर ली है। चलिए एक पैन में डालते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे हींग और जीरा। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देंगे। अब डाल देंगे हरी मिर्च और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे फ्राई कर लीजिए और इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए ऐसे ही हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हरी मिर्च बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसमें डालेंगे हम मसाले। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए इसे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। ये अचार ना बिल्कुल ही कम टाइम में, बिल्कुल आप 2 मिनट में से बना सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत में। और कोई भी सामान नहीं लाना, जो आपके किचन में पड़ा है सिर्फ उसी से बनाना है। ये देखिए अब इसे हम 5 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और इसमें डाल देंगे हम नींबू का रस। नींबू के रस से ना मिर्च का ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ना इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जिन्हें तीखा खाना पसंद है उनका तो दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए मिर्च का अचार बिल्कुल बनके रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।